राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि का जो चर राशि होती है, तुला राशि पुरुष राशि कहलाती है, करूर राशि कहलाती है तुला राशि। तुला राशि जो वायु तत्व की राशि है, तुला राशि की जो मिश्रित प्रवृत्ति की राशि है ये तुला राशि, यानी कि ड्यूल राशि है ये। तुला राशि वैश्य राशि का इसका घर माना जाता है। बस्ती के नीचे का भाग जो है तुला राशि का होता है, नाभि के नीचे का जो पार्ट होता है वो तुला राशि को रिलेट करता है। पाप राशि कहलाई जाती है, और इसका जो दिशा होती है पश्चिम की, इसकी दिशा होती है। तुला राशि के जातक लंबे होते हैं तथा उनका शरीर सही अनुपात में होता है। उनके अंग दुबले पतले परंतु मजबूत होते हैं। देखने में वह बहुत गरिमापूर्ण होते हैं। उनकी मुस्कुराहट बहुत मन भावन होती है। उनकी जो रचना होती है, संरचना होती है, वो थोड़ी आकर्षित होती है। उनकी तरफ लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं, आकर्षित हो जाती है। उनकी आईब्रोज भी बड़ी सुंदर होती है, तो ओवरऑल जो फेस इंप्रेशन होता है उनका, वो थोड़ा आकर्षित होता है। और उनकी तरफ अपोजिट जेंडर के लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं और जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। नाक भी थोड़ी सी झुकी हुई होती है। उनकी ओवरऑल जो डिजाइनिंग होती है फेस की, वो थोड़ी सी ओवरऑल आकर्षित होती है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। शुक्र ग्रह के स्वभाव के कारण मन मस्तिष्क, शुक्र ग्रह का जो स्वभाव के कारण इनका जो मन मस्तिष्क होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। अच्छे सलाहकार होते हैं ये, न्यायप्रिय लोग होते हैं ये, मिलनसार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। सदा सदैव सदा सदैव चाहते हैं जीवन खुशहाली और उनके अनुरूप हो, ऐसा वो चाहते हैं। ऐश्वर्य के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। वह दूसरों के लिए कठोर परिश्रम करते हैं अपने आप से, और अपने सुख सुविधाओं को भी त्याग देते हैं दूसरों के लिए, जो उनके साथ वह कनेक्ट बन जाता है। वह सारा जीवन लोकप्रिय खुशहाल रहना चाहते हैं। वह सदा सुख है, सुख भोगना चाहते हैं। अपने शत्रुओं और विरोधियों से भी शांतिपूर्वक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, और उससे वो जीत हासिल करते हैं। विपरीत रंग के लोगों में के जीवन में विपरीत लिंग के लोगों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और अपने जीवन में भरपूर आनंद लेते हैं। वायु तत्व का होने के कारण ये काल्पनिक होते हैं। इमेजिनेशन पावर इनकी बड़ी अच्छी होती है। बहुत सी नई नई विचारधारा पे काम करते हैं। क्रिएटिव होते हैं ये लोग। थोड़ी इनकी जो सलाह होती है, एक ऑल ऑफ आउट ऑफ दी बॉक्स सलाह भी कई बार ये देते हैं। इनकी इस लगन के जातक सही प्रकार से अंतर अंतर ज्ञान या पूर्व ज्ञान जानते हैं, मतलब उनको थोड़ा अच्छी नॉलेज, और क्योंकि शुक्र है, शुक्र इस राशि में मूर्ति कोण का होता है, तो उनकी इंटरनल शक्ति काफी होती है, जिससे पूर्व ज्ञान चीजों की प्राप्त कर लेते हैं। शेष बुद्धि वाले होते हैं ये। इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो मनोहित करने वाली प्रवृत्ति होती है। साथ ही वो ऐसी जो जो कलात्मिक चीजें होती हैं, जो कि ग्लैमर काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। शुक्र की राशि, शुक्र अपने आप में गुरु गुरु प्रधान है, और इसमें मूर्ति कोण की राशि होती है ये। तो शुक्र की राशि तुला राशि के लोग जो होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े अच्छे मतलब अच्छे विचारों वाले, संस्कारों वाले होते हैं। लेकिन अगर से पाप प्रभाव आ जाए तो इनके जो आते होती हैं वो बिगड़ जाती हैं तुला राशि में, और उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप भी कई अधिक बन जाते हैं ये। ऐसे लोग सदा क्षमा करने और पुरानी चीजों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें लगन के जातकों को परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन को पसंद होता है, तथा वे अपने जीवन में और आसपास के वातावरण में परिवर्तन करते रहते हैं। तुला लगन वाले व्यक्ति पारिवारिक और वैवाहिक जीवन से अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तुला लगन की स्त्री जातक भी बहुत अधिक आकर्षित और बुद्धिमान और थोड़ा स्मार्ट वर्किंग में होती हैं। ऐसे लगन के लोग जो नाटकीय किस्म के होते हैं, ऐसे किस्म के व्यक्ति लोग नाटकीय किस्म के और या कलात्मक किस्म के होते हैं। सेलिब्रिटी काइंड ऑफ लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोग न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और टीवी फिल्मी कलाकार, फोटोग्राफर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि जो रिलेट करती है ग्लैमर इंडस्ट्री को, वहां से रिलेटेड चीजों को काम कर सकते हैं, करते हैं। जनरली जन अधिकारी वर्ग में फैशन डिजाइनिंग, राजनेता, विलासिता की वस्तुएं, सामाजिक कार्य, रेस्टोरेंट, ऐसी चीजों में मूर्तिकार या ये गारमेंट डिजाइनर, गारमेंट से रिलेटेड कोई चीजें, इस तरह की चीजों में अधिकतर इनका कार्य रहता है। ये लोग जनरली समझौता कर लेते हैं, वाद विवाद में अपने आप को नहीं पढ़ना चाहते। वाद विवाद की कोई बात होती है तो वाद विवाद से ये लोग कतराते हैं और दूर रहते हैं। थोड़ा सा चेहरे पे इनके मुस्कान रहती है, मोहक एक मुस्कान, एक मीठी मीठी भीनी सी मुस्कान रहती है। ऐसे लोग जो लोग होते हैं साझेदारी के विषय व्यापार करने के लिए ठीक रहता है, क्योंकि ये सातवीं राशि सातवें भाव को रिलेट करती है, तो वहां से बिजनेस पार्टनरिंग बिजनेस को अच्छा रिलेट करती है। डेली इनकम इनके साथ लोगों को, ये लोग धोखा जनरली एक दूसरे को नहीं देते हैं।
ये लोग तो ईमानदार होते हैं और साझेदारी के लिए ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहता है। ये लोग अपने मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं और अपने मित्रों के साथ जनरली खड़े रहते हैं। ये लोग तुला लग्न के जातक अव्वल तो स्थान कम होती है लेकिन जनरली या इनको सुख अधिक सुख इनको मिलता है लेकिन संतान का सुख जरूर मिल जाता है इनको। और दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तुला लग्न के लोग लोगों को जो सातवां भाउस अगर अभी हमने पढ़ा नहीं हाउस तो तुला लग्न के लोगों को जो जनरली प्रॉब्लम आती है जेनेटिकल पार्ट से प्रॉब्लम जनरली आ जाती है लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से ही लोग डेली इनकम या ऐसे व्यवसाय करते हैं जिससे कि इनको इनकम के अंदर अच्छा प्राप्त होता है या ऐसी एक्टिविटीज जिसके माध्यम से इनके साथ डेली इनकम के सोर्सेज जो होते हैं वो बने रहते हैं। तुला लग्न के लोग विदेश की यात्रा भी काफी करते हैं और तुला लग्न के लोगों का जो रंग होता है थोड़ा सफेद रंग पे होता है स्मार्ट होते हैं और दीज आर दी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम तुला लग्न। तुला लग्न के लोग अधिकतर प्रसिद्ध होते हैं और अपोजिट जेंडर के उनके दोस्त बहुत होते हैं। यस सर, मेरा बेटा छोटा सा है अभी वो और उसके सारे ज्यादा उसकी फ्रेंड फीमेल फ्रेंड है तो तुला लग्न की कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजाइन ऐसा है। यस सर, यस यस, ठीक है हाँ। तो और बातों की खाते हैं ये। यस सर, बराबर जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो सब सही है। अपनी बातों से दूसरे को मन मोहन लेने की क्षमता होती है ना कला होती है। बात विवाद में नहीं पड़ते, अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो सुलझा लेते हैं ये अपनी अपनी बुद्धि के माध्यम से तुला लग्न के लोग, ठीक है। वाद विवाद में लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहते हैं तुला लग्न वाले। तुला लग्न वायु तत्व की राशि होती है और वायु तत्व के होने की वजह से इनके अंदर वाद वक्ता जो है स्ट्रांग होते हैं ये, मतलब हाजिर जवाब होते हैं ये लोग। यस सर, राइट। तो और किसी की तुला लग्न नहीं आई, चलो कोई बात।